Hello everyone, welcome back to my channel Grasp the Knowledge. So today we will start the new topic of our chapter 5, that is demand function and determinants of demand. अच्छा demand function क्या होता है? ठीक है, demand function या determinants क्या चीज होती हैं? जब हम demand को किसी चीज से related होकर उसको पढ़ते हैं तो वो क्या होता है हमारे demand function. जब हम demand को किसी चीज से relate करते हैं वो क्या होता है हमारे demand function. फॉर एग्जाम्पल इन सब चीज़ों पे डिमांड का क्या इफेक्ट होगा वो क्या होता है उसके डिटर्मिनेंट्स. अब इसको भी हम दो एस्पेक्ट में पढ़ते हैं. पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन. मार्केट डिमांड फंक्शन में ये 5 प्लस ये 2 मतलब 7 टोटल 7 फंक्शंस होते हैं मार्केट डिमांड के और इंडिविजुअल डिमांड के 5 फंक्शंस होते हैं. ठीक है, पहले हमने जो इसके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को डिनोट किया है वो किससे डिनोट किया है, dx. dx का मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. ठीक है, फंक्शन का f यहाँ आएगा. ठीक है, फंक्शंस इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड ये है और फंक्शंस यहाँ है. px का मतलब क्या होता है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब ओन प्राइस ऑफ गुड भी कह सकते हो या ओन प्राइस ऑफ गुड एक्स भी कह सकते हो. PR का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फिर वाई हमेशा याद रखना है, इकोनॉमिक्स में किसने डिनोट होता है, इनकम के लिए. फिर आता है हमारा टी से क्या होता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस. फिर आता है हमारा ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, क्या हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो किससे डिनोट होता है, ई से. मार्केट डिमांड फंक्शन में ये 5 प्लस हमारा एन किसने डिनोट होता है, नंबर ऑफ बायर्स. और वाई डी किसने डिनोट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, फर्स्टली वी विल लर्न दीज 5 देन दीज 2. ठीक, पहला ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. हमें पता है कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड डिक्रीज होगी. अगर एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं. अगर हमें कोई चीज़ सस्ते में मिल रही होती है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते हैं तो हम उसकी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं. ये क्या था हमारा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में हम सीधे यही एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होता है, मतलब सिंपली आप उसको लॉ ऑफ डिमांड भी कह सकते हो. फिर आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. ठीक है, रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री. सबसे पहले सब्स्टिट्यूट पता चल रहा कि एक की जगह पे दूसरा इंसान. स्कूल्स में सब्स्टिट्यूशंस लगते हैं, क्या होता है कि जब एक टीचर एब्सेंट होता है तो दूसरा टीचर आता है. वैसे यहाँ पे भी क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब हम एक गुड अगर उसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी जगह हम दूसरा गुड यूज़ कर सकते हैं, वो होता है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड. फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी. ठीक है, टी एंड कॉफ़ी. अगर मैं टी के प्राइस इंक्रीज कर दूँ तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट कर जाओगे. तो यही क्या है सब्स्टिट्यूट कि अगर मैं मान लो टी हमें 5 रुपये की मिल रही है, ठीक है, और कॉफ़ी हमें 4 रुपये की मिल रही है. ठीक, पहले और टी पहले 5 की थी और कॉफ़ी 4 की थी, अब टी 6 की हो गई और कॉफ़ी 3 की हो गई. तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप इसको छोड़कर इस पर शिफ्ट कर जाओगे और इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, और अगर ऐसी वाइस वर्सा करेंगे, अगर हमने कॉफ़ी के प्राइस बढ़ा दिए इन कंपैरिजन टू टी, तो आप टी पे शिफ्ट हो जाओगे और टी की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे से एक साथ यूज होंगे, मतलब एक वो अकेला यूज़ नहीं हो सकता, उसके साथ तुम्हें वो कमोडिटी भी वो गुड भी दूसरा गुड भी परचेज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इंक एंड पेन. ठीक है, याद रख लो इंक एंड पेन. इंक एंड पेन के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इंक की प्राइस बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली पेन की भी प्राइस बढ़ जाएगी. अब पेन की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी. ठीक, और अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर हमारी इंक की प्राइस ही कम हो गई है तो ऑटोमेटिकली पेन की प्राइस भी कम हो जाएगी.
पेन की प्राइस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज होंगे, डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होंगे, हमेशा ये याद रखना। और फिर आता है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या होता है कि हम जो होते हैं दो टाइप के गुड्स यूज़ करते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। अगर हमारी इनकम, हमारे पेरेंट्स की इनकम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हम राशन वाले चावल चीनी यूज़ करते हैं, है ना। और अगर हमारे पेरेंट्स इतने कैपेबल हैं कि हाँ उनकी अच्छी खासी इनकम है तो हम वैरायटी ऑफ राइस यूज़ करते हैं, वो हमारे नॉर्मल गुड्स हो जाते हैं। इन्फीरियर गुड्स, जब आपकी इनकम कम होगी तो आप इन्फीरियर गुड्स यूज़ करोगे, जैसे ही आपकी इनकम में इंक्रीज आता है तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज करके नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर दोगे, ठीक। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे फैशन फैशनेबल चीज़ें आती हैं तो वैसे वैसे जो ओल्ड फैशन चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जो न्यू फैशन चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे बहुत पहले क्या कॉटन की साड़ीज चलती थी, तो उस टाइम उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम पे सिल्क, बनारसी एंड इन सब की साड़ीज चलती है, आज के टाइम पे क्या है, उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्लस उन कॉटन वाली साड़ीज़ की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही क्या होता है कि टाइम के साथ लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं, तो वो भी डिमांड पर इम्पैक्ट करता है। फिर आते हैं एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं आपसे कह दूँ कि कल चीनी के प्राइस डबल होने वाले हैं तो आप क्या करोगे, चीनी की डिमांड इन प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे ना, ठीक। और अगर मैं कहूँ कि कल चीनी के प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं तो आज उसको आज वाले प्राइस पे नहीं खरीदोगे ना, आप वेट करोगे कल प्राइस कम होंगे तो हम उसको बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे। और अगर मैं कहूँ कि कल प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो क्या करोगे आप उसको नहीं खरीदोगे ना, आप उसकी डिमांड डिक्रीज कर दोगे। सिंपल है कि आप एक्सपेक्टेशन में क्या करोगे, प्रेजेंट की बात करोगे फ्यूचर को लेके, कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक। अब आता है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में पहले पांच ये लिखोगे, ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हो कि ये पांच यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पांच पहले एक्सप्लेन करोगे, फिर इन दो पे आओगे, नंबर ऑफ बायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। नंबर्स ऑफ बायर, नंबर्स ऑफ बायर का मतलब क्या समझ रहे हो, कि कितने नंबर ऑफ बायर हैं मार्केट में, कि मतलब बायर्स कितने हैं मार्केट में। अब आपको ऑब्वियस बात है, अगर ज़्यादा नंबर बायर होंगे तो डिमांड भी लोग ज़्यादा ही करेंगे, चीज़ें भी वो ज़्यादा ही खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कार्स की बात करें तो अगर कार के लिए कोई ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे नहीं तो उसकी डिमांड होगी, नहीं होगी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम पढ़ते हैं रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर, वो चीज़ आती है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या कहता है कि अगर रिच की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, उस टाइम जो हमारे क्या लग्जरी गुड्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और हमारे जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमारा जो पुअर है वो क्या करेगा, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर से हटके वो नॉर्मल गुड पे शिफ्ट हो जाएगा, तब भी वो इन्फीरियर की डिमांड कम करेगा और नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद नेक्स्ट टॉपिक। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड।